हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज संज्ञा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था संज्ञा, लास्ट जो सेकंड क्लास है उसमें आपने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज हम दोबारा से एक बार थर्ड क्लास में आपको संज्ञा करवा रही हूँ। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। संज्ञा किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, तो उसे क्या कहेंगे, संज्ञा। जयपुर, जयपुर एक किसका नाम है, स्थान का नेम है। जयपुर एक स्थान है, उसका नेम है, तो ये संज्ञा है। आगरा, आगरा एक जगह का नेम है, स्थान का नेम है, तो आगरा क्या है, संज्ञा है। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल एक ऐतिहासिक स्थल है, जगह का नाम है, स्थान का नेम है, तो इसे क्या कहेंगे, संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, अब संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के स्टूडेंट्स तीन भेद होते हैं, कौन कौन से। हिंदी में संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, ये के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन एक व्यक्ति है, व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, तो मोहन कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगरा, आगरा एक स्थान का नाम है, तो स्थान का बोध हो रहा है, तो उसे विशेष स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल, ताजमहल एक स्थान है और विशेष स्थान है, तो ये कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली, होली, होली एक विशेष त्यौहार है, इसलिए ये भी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की स्टूडेंट आप पहचान कैसे करोगे, कौन कौन से नाम आते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है नदियों के नाम, यानी जितनी भी नदियां हैं अपने संसार में, या फिर भारत में, या फिर राजस्थान में, तो उन नदियों के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जो भी नदियों के नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे गंगा, गंगा एक नदी का नाम है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब नदियों के नाम हैं, वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सेकंड है अपना त्यौहारों के नाम, त्यौहार जितने भी त्यौहार बनाए जाते हैं उन सब के नेम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। त्यौहारों में हैं होली, दीपावली, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, त्यौहारों के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तियों के नाम, यानी जो व्यक्ति है, आदमी है, उनके नेम वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। जैसे रमेश, रीना, पूजा ये सब व्यक्ति हैं, तो इन व्यक्तियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। नगरों के नाम, यानी जो नगरों के नेम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। नगरों में जैसे जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर आदि
ठीक है, नगरों के जो नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। ऐतिहासिक स्थलों के नाम, यानी जितने भी अपने ऐतिहासिक स्थल हैं उन सब के नेम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, हवा महल, गुरुद्वारा, ये सब किस में आएंगे? जो ऐतिहासिक स्थल है, लाल किला, जामा मस्जिद और जंतर मंतर और हवा महल, ये जल महल, ये सब किस में, इन सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना है पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत हैं उन सब के नाम भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये सब पर्वतों के नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर नेक्स्ट है अपना पुस्तकों के नाम, यानी जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम, धार्मिक कर लो इसको, धार्मिक पुस्तकें, उन पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, जैसे रामायण, महाभारत, गीता। ठीक है स्टूडेंट। दिनों के नाम, जो अपने वार दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सोम, मंगल, बुध, उन सब के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, जैसे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, यह सब, इन सब के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नेक्स्ट अपना है समाचार पत्रों के नाम, यानी जो भी जितने भी समाचार पत्र हैं उन सब के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, तो राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, मेघदूत, सिटी भास्कर, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। महीनों के नाम, यानी जो 12 मंथ होते हैं, अपने 12 महीने होते हैं, उन सब के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 12 महीने हैं उन सब के नेम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जातियों के नाम, जो राष्ट्रीय जाति है, राष्ट्र की जो जाति है, उन सब के नेम भी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, तो राष्ट्रीय जातियों में जैसे चीनी, चीन, चीन की राष्ट्रीय जाति कौन सी? चीनी, बंगाल की बंगाली, नेपाल की नेपाली, ये जो राष्ट्रीय जातियाँ हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आती है। देशों के नाम, जो अपने देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सब देशों के नाम भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब एक एक और है रेलगाड़ियों के नाम, जो ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, उन सब के जो नाम आते हैं रेलगाड़ियों के नाम, जैसे सिटी एक्सप्रेस, सिटी एक्सप्रेस, और भी जो गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, उनके नेम भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, जयपुर, आगरा, ताजमहल आदि। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, आगरा, ताजमहल आदि। फिर किस किस के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, नदियों के नाम, त्यौहारों के नाम, व्यक्तियों के नाम, नगरों के नाम, ऐतिहासिक स्थलों के नाम, पर्वतों के नाम, धार्मिक पुस्तकों या फिर पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, महीनों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, देशों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।